Hi guys, welcome back to Easy Tips. I hope you all are doing good. Guys, आज मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ. अचानक आज मॉर्निंग में मेरे माइंड में आया कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ की रियल स्टोरी शेयर की जाए. एंड ये पीपल के लिए है. मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग से थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी होगी, सो प्लीज़ इसको पूरा देखना आप, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने जो फील किया अपनी लाइफ में और जो मेरे साथ हुआ और जो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और उससे मैंने कैसे अपने आप को निकाला बाहर, उसको मैंने कैसे फेस किया. और मुझे इतना भी पता है, ये हर एक टीनेजर की लाइफ में ज़रूर आती है ये प्रॉब्लम, और वो उसको ज़रूर फेस करते हैं, बिकॉज ये पीपल्स के लिए है. 2017 की बात है, अचानक ही मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल गए. मेरा पूरा फेस बहुत ही गंदे टाइप के पिंपल्स से भर गया. एंड कंप्लीट फेस, मेरा पूरे सारा फेस पिंपल्स ही, सब में पिंपल्स निकल गए. और मैं हर रोज़, आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे, आप समझ सकते हैं, आई थिंक मैं मॉर्निंग में उठती थी और मुझे लगता था कि शायद आज मेरे पिंपल्स सही हो जाएंगे, आज मेरे पिंपल्स सही हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली फेस है, आई नो फेस एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट, आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी को भी आपको फेस करना होता है तो सब फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होता है वो फेस होता है. आपका फेस हमेशा अच्छा लगना चाहिए और विदाउट पिंपल्स होना चाहिए. विदाउट पिंपल्स जो आपका फेस ग्लोइंग फेस होता है वो एक अच्छा इफेक्ट डालता है किसी सामने वाले पर्सन के ऊपर. सो आई वॉज वेरी क्यूट एंड आई वॉज वर्किंग ऑल्सो दैट टाइम. एंड अचानक 2017 में मेरे फेस में पिंपल्स निकल गए हैं ना, जैसे मैंने बताया आई वॉज वर्किंग दैट टाइम. सो मैं ऑफिस जाती थी एंड ऑफिस में लोगों ने, अगर आप एकदम से, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, आप बहुत अच्छे लगते हो और एकदम से ही आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल जाए, आपका लुक एकदम अगली लुक हो जाए, उस टाइम पे पिंपल्स के बाद में एकदम अगली लगने लगी थी. और मेरे ऑफिस में जो कॉलिग्स थे उन्होंने मुझे कहा, श्वेता क्या हो गया तुमको एंड तुम्हारे फेस पर क्या हो गया, ये तुम इसको मेडिसिन लो, तुम डॉक्टर को दिखाओ. एंड मैं उस टाइम इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी ऑलरेडी, बिकॉज आई नो ऑफिस वर्क एंड घर वर्क एंड वो डिस्टर्ब थी मैं उस टाइम के फेस को लेकर. आप एक डिप्रेशन में चले जाते हो अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं फेस पर और आपको नहीं समझ में आता आप क्या करो. एंड मुझे शायद उस टाइम पर ये लगने लगा था कि आई थिंक इस जन्म में मेरे पिंपल्स रहेंगे और इसके जो निशान होंगे वो भी रहेंगे फेस पर. सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सिस्टर से बात की. सो उनकी जो बिकॉज वो बड़े हैं, उनकी मेंटेलिटी है आपको फेस की मेडिसिन नहीं खानी है, बिकॉज फेस की मेडिसिन खाने से आपका फेस वो ख़राब हो जाता है और वो आपका फेस एकदम नॉर्मल नहीं लगता फिर आफ्टर मेडिसिन, अगर मेडिसिन खाते हो फेस की कोई भी. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सब लोगों को कि प्लीज़ अपनी फेस की मेडिसिन नहीं खाए. और कुछ भी अगर फेस पर हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको, उसकी मेडिसिन खा सकते हो, बट अगर आपके पिंपल्स निकल रहे हैं फेस पर तो उसकी मेडिसिन आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए. तो मैंने इसे डिस्कस किया अपनी आनंद दीदी के साथ. फोर्टीज हॉस्पिटल जो कि नोएडा में है वहाँ पर गई, बेस्ट डॉक्टर मैंने ऑनलाइन नेट से सर्च किया, बेस्ट डॉक्टर जिसकी फीस 2017 में 1000 रुपीज़ थी वन टाइम की. सो मैं बेस्ट डॉक्टर के पास अपने फेस का मैंने ट्रीटमेंट कराया. मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ से मेडिसिन ली, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि ये निकल जाते हैं इस एज पर और ये रहते हैं कुछ टाइम, मेडिसिन आप खाओ एंड वो फिर ठीक हो जाएगी. ओके फाइन, मैं फिर मेडिसिन लेके घर वापस आई. घर वापस आने के बाद मैं रिलैक्स थी कि हाँ ठीक है, अब मेरे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे एंड मेरा फेस बिल्कुल पहले जैसे एकदम प्रिटी, एकदम ग्लोइंग विदाउट एनी एक भी निशान की हो जाएगा, एकदम क्लीन फेस हो जाएगा. और उसके बाद क्या हुआ, मैंने मेडिसिन खाना स्टार्ट किया और मैंने मेडिसिन को, उन्होंने मुझे ट्यूब्स भी दिए थे वो मैंने लगाए फेस पर. और फेस पर लगाने के बाद क्या हुआ गाइस, टू डेज के बाद मेरी फेस पे स्वेलिंग आ गई. मेरा जो ये फेस है वो इतना, अभी थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मोटा हो गया फेस, बट पहले और बहुत ज़्यादा पतला था. वो एज के साथ होता है, आपका फेस जो होता है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा होने लगता है. ठीक ओके, सो मैंने क्या किया, उस टाइम पर मेरा फेस स्वेलिंग आ गया मेरे फेस पे 2 डेज के बाद, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और रेड हो गया, मतलब पूरा फेस एकदम इतना मोटा और रेड फेस हो. सो मैंने क्या किया, अगेन बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं उस टाइम पर. तो मैंने मैं ऑफिस, ऑब्वियसली ऑफिस आपको जाना ज़रूरी होता है, मैं ऑफिस गई. सो ऑफिस से मैं फिर लीव लेकर फिर मैं डॉक्टर के पास गई. इवनिंग का मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ पर. डॉक्टर के पास जाने के बाद
डॉक्टर्स को कोई इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, आपका फेस है आपको, मीन्स मैं गई वहाँ पर, मैंने उनको अपना फेस दिखाया, डॉक्टर ने मुझे कहा आप एक काम कीजिए आप 1 वीक के लिए दे लीजिए, ऑफिस को इग्नोर कीजिए, अभी ऑफिस मत जाइए, घर पे रहिए, अपनी मेडिसिन को आप खाइए और लगाइए, ठीक है डन, उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने। बट जब मैंने उनको बोला आपने ऐसी मेडिसिन क्यों दी, मैं यहाँ पर सही होने के लिए आई हूँ बट आपने मुझे ऐसी मेडिसिन दे दी है जो मेरी फेस पर स्वेलिंग हो गई, रेड हो गया मेरा फेस, पहले एटलीस्ट पिंपल्स थे मैं बाहर जा सकती थी, अब मैं इतनी स्वेलिंग के साथ मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ अपने फेस को लेकर, मैं क्या करूँ, मैं ऑफिस नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन दे दी और एक्स्ट्रा, उनको पता है उनको मेडिसिन देनी होती है, उनको अपना सिर्फ पैसे बनाने होते हैं, जो मैं सिंपली वर्डिंग में बोलूँगी, उनको सिर्फ पैसे बनाने होते हैं अपने। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी, मेडिसिन आई वॉज क्राइंग दैट टाइम, मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, बिकॉज आपका फेस होता है एंड अगर एकदम से अचानक से आप मॉर्निंग में उठो आपके फेस पे इतने सारे पिंपल्स, आई डोंट नो, मतलब वो मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम था, शायद वो टाइम मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगी, क्योंकि छोटा सा पिंपल भी अगर आपके फेस पर निकलता है तो आपको लगता है गॉड इसको इसको जल्दी से सही करो, इसका निशान नहीं रुकना चाहिए, बट पूरा फेस आपका एकदम पिंपल से भरा हुआ और आप एक टाइम पर बहुत प्रिटी और अब एक ही टाइम उसी सेम उसके थोड़े से टाइम के बाद एकदम अगली आप फील करने लगो, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। सो ओके, तो मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ ठीक है दैन, फिर मैं घर पर आई, घर पर आने के बाद मैंने फिर मेडिसिन यूज़ की, मैंने वो 1 डे यूज़ किया, मैंने 1 वीक की लीव ली ऑफिस से, तो मैं उसको यूज़ कर रही थी। और लीव के टाइम पर क्या होता है, आप घर पे होते हो एंड जब आप वर्किंग होती हो फिर काम होता है आपके पास, तो आप लोगों से अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे आप बात नहीं करते हो ज़्यादा, उनको टाइम नहीं दे पाते हो, बट जिस टाइम पर आपने ओबियसली लीव ली है तो उस टाइम पर आप बात कर सकते हो लोगों से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी रिलेटिव्स को कॉल करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कॉल किया, तो मैं ग्रैंड मदर से बात कर रही थी एंड मैं बहुत इमोशनल थी उस टाइम पर, तो मैं बात करते करते ग्रैंड मदर से अपनी रोने लगी, और रोने के बाद क्या हुआ, ग्रैंड मदर ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड मदर की बहुत क्लोज हूँ, वो अपनी सारी पोतियों में सबसे ज़्यादा प्यार आई थी मुझसे करती है, बिकॉज मैं उनकी सारी विशेज पूरी करती हूँ, बट अभी हाँ वो दूर रहते हैं और मैं दूर रहती हूँ तो वो सिर्फ कॉल पे बात कर लेते हैं। सो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कॉल किया और मैं उस टाइम रो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताई सारी चीज़ें, मैंने कहा दादी ऐसा हुआ है मेरे साथ और डॉक्टर्स की मेडिसिन मुझे समझ नहीं आ रही है, वो ख़राब कर रही है मेरे फेस को, और मैंने उनसे डिस्कस, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ओनली बस मेरी फैमिली लाइक मॉम डैड भैया दीदी उनको सिर्फ उनसे डिस्कस था ये, और दीदी ने स्पेशली मना किया था कि मेडिसिन नहीं खानी चाहिए फेस की बिकॉज ख़राब कर देती है फेस को बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने ग्रैंड मदर से डिस्कस किया तो ग्रैंड मदर ने मुझे कहा बेटा एक काम कर, अभी मेडिसिन को स्टॉप कर, मेडिसिन मत खा, 1 वीक लीव ली है तो उसमें मैं एक चीज़ बता रही हूँ, उसको अपनी फेस पर यूज़ कर, रात में एक बार उसको फेस पर लगाना है जहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं वहाँ पर, और 1 वीक के अंदर अंदर ही देखना बिल्कुल पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। एंड जो उन्होंने मुझे चीज़ बताई मुझे कल के लगा कि सच में इससे सही होगा, क्योंकि वो चीज़ हम डेली घर पे यूज़ करते हैं, वो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ भी होगा एंड मैंने सोचा भी नहीं था, बट जब उन्होंने मुझे बताया वो एकदम मेरे बजट में और वो घर पे अवेलेबल भी थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसको यूज़ करने से भी ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सकती है, मुझे इतना अमाउंट वेस्ट नहीं करना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास जाके, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे रोना नहीं पड़ेगा, मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने उस दिन क्या किया, मैंने उस दिन मेडिसिन नहीं यूज़ की, मैंने नाइट में ही जो दादी ने मुझे बताया था वो मैंने लगाया, और जहाँ पर पिंपल्स थे वहाँ पर ज़्यादा, बट मैंने उस टाइम पर पूरे फेस पर लगाया था बिकॉज पूरे फेस पर मेरे पिंपल्स थे उस टाइम पर, चिक्स पर ज़्यादा थे इस एरिया पर, तो मैंने नाइट में वो लगाया और अच्छे से वॉश करके फेस को उसको मैंने अप्लाई किया एंड नाइट में फिर मैं अप्लाई करने के बाद सो गई। सोने के बाद मॉर्निंग में उठी, मैंने नॉर्मली अपना फेस वॉश किया, ये मैंने 1 वीक इसको मैंने, क्योंकि मेरा लीव था 1 वीक तक मैंने इसको ट्राई किया, 1 वीक में मुझे असर दिखना स्टार्ट हुआ एंड मेरे पिंपल्स आधे हो गए 1 वीक में, और वो मैंने रेगुलर मैंने उसको यूज़ किया, थोड़ा टाइम लगा, 1 मंथ में मेरे सारे पिंपल्स
एकदम रिमूव हो गए और नो एक भी निशान नहीं. एंड आई वाज जस्ट, वो जो टाइम था जब आपने देखा अपने फेस को पिंपल्स के बाद, सारे पिंपल्स रिमूव एंड पिंपल्स निशान छोड़ जाते हैं अपने, जो धब्बे लगते हैं आपके फेस पर, जो गंदे लगते हैं बहुत, वो भी नहीं थी उस टाइम पर. एंड उस टाइम पर मेरी जो फीलिंग थी वो एकदम बहुत मैं हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि वो चीज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको लगाने के बाद मेरा फेस एकदम परफेक्ट हो जाएगा. मैं बहुत हैप्पी मैंने फील किया. मैं आपको दिखा देती हूँ क्या यूज किया. दिस पैराशूट कोकोनट ऑयल मैंने अपनी फेस पर इसको अप्लाई किया एंड इसको नाइट में मैंने अपने पिंपल्स पर लगाया और मैं सो गई. एंड मॉर्निंग में मैंने फिर फेस को वॉश कर लिया और इसको मैंने 1 month अपने फेस पर अप्लाई किया है. अभी भी जब कोई छोटा सा भी पिंपल निकलता है तो मैं अपने फेस पर इसको फिंगर से ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ, पिंपल्स पर, ओनली पिंपल्स पर. एंड ये बहुत इफेक्टिव है. एंड गाइज, अभी मुझे पता है हम डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं, ओनली अपने पिंपल्स को लेकर, और पिंपल्स कोरोना को देखकर नहीं आते, फिर लॉकडाउन को देखकर नहीं आते, वो बस आ जाते हैं आपके हार्मोन्स चेंज होने की वजह से, आप टेंशन ले रहे हो उसकी वजह से, या फिर आपने फेस अच्छे से क्लीन नहीं किया. फेस पर ही नॉर्मली आते हैं और ये आई थिंक सबके ही आते हैं, एक बार तो लाइफ में ज़रूर होते हैं पिंपल्स. और डेफिनेटली जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके भी 1 time ज़रूरी पिंपल्स आए होंगे, और आपने भी डॉक्टर्स के पास जाके चक्कर लगा के उनसे मेडिसिन ली होंगी, और डेफिनेटली आपके पिंपल्स सही नहीं भी हुए होंगे. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपके फेस पर पिंपल्स आ गए हैं और आप बाहर जाके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, घर पर कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आपके घर में कोकोनट ऑयल ज़रूर होगा पैराशूट, और आप उसको यूज़ कीजिए नाइट में और उसको मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए. आपको ये 1 month तक रेगुलर करना है. आपको इसका जो रिजल्ट है वो विद इन 1 week में ही मिल जाएगा. एंड मैं डेफिनेटली आपको बता रही हूँ ये आपके फेस पर ज़रूर असर करेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं मेरा फेस नाउ. सो गाइज, आई एम हैप्पी. एंड उस टाइम के बाद मुझे लगा सीरियसली जो बाहर के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करके हम क्यों ना अपनी जो ग्रैंड मदर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछ ले, और उनके पास बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय होते हैं जो आपको बहुत ही प्रिटी बना देते हैं. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ अगर आपके आप ये सिचुएशन इस टाइम पर फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, तो आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करो. सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना नहीं भूलें. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं किस टाइप की वीडियोज़ आप लिए लेकर आऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. सो बाय गाइज़.